ये है हमारा फेवरेट नाश्ता अजमेर का, जलेबी दही। प्लीज स्टॉप इट। और ये मेरा फेवरेट अबे यार जलेबी मस्का भल्ला, जलेबी भल्ला भल्ला अल्लाह। और ये है मस्का ब्रेड विद जलेबी, बॉम्बे का टोस्ट। दही भल्ला हो गया। सो आज का हमारा चौथा दिन इन अजमेर, हम आज जा रहे हैं सलवार शरीफ ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, जो गरीब नवाज सरकार के साहबजादे हैं। सलवार शरीफ में आप आराम फरमाना। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे डिग्गी बाजार, वहाँ पर लेंगे तूफान, मतलब वो वाला तूफान नहीं, तूफान गाड़ी बड़ी वाली, और उसमें पूरे 10-8 जितने भी लोग हैं उसमें भर कर फिर वहाँ जाएंगे। इतनी भीड़ में रिक्शा भी चल रही है। खैर मार्केट में पब्लिक तो थोड़ी कम हो गई है, बुलंद दरवाज़ा पहुंच चुके हैं। अगर ये आप छठी से एक दिन पहले आएंगे तो यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं कम से कम 7-8 से हर और में अजमेर आता हूँ, ये होटल का झाड़ मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है, ये बस ऐसे ही लगाया हुआ है। डिग्गी बाजार पहुंच चुके हैं, सांबर शरीफ के लिए हम गाड़ियाँ ले रहे हैं। यहाँ भाव चल रहे हैं कुछ 3,500-4,000, अब देखते हैं क्या होता है। हमने बुक करी है ट्रैवलर, कितनी सीटिंग है? 18-20 सीट। कितना? 4,000 रुपया। 1500-1400 तो सीट्स है ये, और ये 4,000 में हमने पूरी बुक कर लिया। मजे के से जाएंगे फुल ऑन, जरा भी दब दुख के नहीं। ये देखो हमारे हमारे ट्रक के क्लीनर क्लीनर है यार, तो जाने तो ए दुवे दुवे। सो देयर इज अ रेलवे क्रॉसिंग हियर, तो उसकी वजह से गाड़ी रुकी हुई है। आई डोंट नो कौन सा मेल आने वाला है, कितने डब्बों को आने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है। सो वी आर वेटिंग। तो हम लोग पहुंच गए सलवार शरीफ, अब हम जा रहे हैं दरगाह की तरफ। अभी ट्रैवलर से उतरे हैं आई गेस, और हमारी ट्रैवलर वाले से थोड़ी बहस भी हो गई, क्योंकि जहाँ हमेशा वो जहाँ पर हमको छोड़ता है उससे थोड़ा दूर पे छोड़ा है, लाकर उसने थोड़ा दूर पर छोड़ा है। सो अब हम चल कर जा रहे हैं, इतना डिस्टेंस है, बस करो यार। और मगरिब की अजान हो रही है, हम लोग अभी सलवार शरीफ पहुँचे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बुलंद दरवाज़ा है। मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर न्याज का जो करना है वो करेंगे, और ज़ियारत वगैरह करके फिर निकलेंगे यहाँ से।
तो अगर आप लोग ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं और नियाज वगैरह अगर आपको करानी है तो आप यहाँ से आकर करा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग खाना बनाया था इन्होंने और माशाल्लाह देखो, मतलब खाने के साथ मेहमान नवाजी भी काफ़ी अच्छी है। तो हमको खुद को बैठा कर अंदर खिला रहे हैं। तो इनका नंबर वगैरह जो भी रहेगा मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं।